So what's your plan after visiting this place? Any other place? Cherrapunji. Yeah, and back to Shillong. Then we're heading back to? No, further. Like, what are the places? Arunachal Pradesh. So I think you are going to Tawang. Tawang. Yes, I love seeing the brown culture. Of course, it's beautiful. I saw it in Tibet. Okay. So that was pretty. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिलोंग. सो अभी बज चुके हैं सुबह के 8. मैं निकल चुकी हूँ शिलोंग की साइट सीइंग के लिए. इजीएस्ट वे और सबसे चीपेस्ट वे है कि आप किसी टैक्सी की बुकिंग कर लें एंड वो जो टैक्सी होगी वो लोकल साइट सीइंग की सैर करवा देगी. फिलहाल मैंने भी एक टैक्सी की बुकिंग कर ली है एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर लोकल साइट सीइंग. तो चलिए देखते हैं क्या क्या है शिलोंग में घूमने की चीज़ें. ओके, सो ये है यहाँ मेघालय में जो टैक्सी चलती है लोकल, यही टैक्सी है लोकल टैक्सी. शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है, इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, मतलब कि पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड. ये शहर वाकई में काफ़ी खूबसूरत है. वैसे तो शिलोंग में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मैं आज उन्हीं बहुत सारी जगहों में से कुछ जो फेमस और अच्छी जगह हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तो ऐसी जगहों को ही एक्सप्लोर करने के लिए मैं आज निकल पड़ी हूँ. और इसी क्रम में मैं फ़िलहाल अभी पहुंच चुकी हूं अपने आज के पहले डेस्टिनेशन पे. और मेरा आज का जो पहला डेस्टिनेशन है वो है एक बहुत ही खूबसूरत सा चर्च. और ये वाकई में काफ़ी खूबसूरत सा चर्च है और काफ़ी बड़ा भी है. तो चलिए थोड़ा सा इस चर्च के बारे में जानते हैं. तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इस चर्च के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस चर्च को. इस कैथेड्रल का नाम ईसा मसीह की माँ मैरी के नाम पर रखा गया है. तो इस चर्च का पूरा नाम कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस है. और शिलोंग में यूँ तो बहुत सारे चर्च हैं, लेकिन अगर मैं सबसे खूबसूरत चर्च की बात करूँ तो वो यही है. तो अगर आप कभी भी शिलोंग में आते हैं तो इस जगह पे आना ना भूलें, ये वाकई में बहुत खूबसूरत है. और साथ ही साथ इस चर्च के अंदर के किनारों पर क्रॉस के 14 स्टेशनों का एक और सेट है. यह चर्च अपने आप में वास्तुकला एवं कांच के काम के लिए फेमस है. वहीं अगर मैं इस चर्च के आर्किटेक्ट की बात करूं तो इसे गोथिक स्टाइल में बनाया गया है. और ये इसका जो परिसर है वो भी काफ़ी बड़ा है. तो अब इस चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं और अब मैं बढ़ने वाली हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ. एंड जो टैक्सी मैंने बुक करी थी उसके ड्राइवर को मैंने कहा कि मेघालय में यूँ तो घूमने की बहुत सारी जगह हैं, पर शिलोंग की कुछ ऐसी भी जगहों को मुझे दिखाएं वो जो कि थोड़ी सी कम एक्सप्लोर्ड है और जिसके बारे में कम लोगों को पता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट अभी जिस डेस्टिनेशन पर मैं जाने वाली हूँ वो बहुत ही लीस्ट एक्सप्लोर्ड प्लेस है. ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मेरा वो है एक मस्जिद. और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब इसका आर्किटेक्चर देखिए आप कितना खूबसूरत है. इस मस्जिद का नाम है मदीना मस्जिद और ये एशिया का फर्स्ट ग्लास मस्जिद है जो कि 3 फ्लोर का बना हुआ है. इसकी डेकोरेशन वाकई में बहुत ही सुंदर है. और इसमें जो 3 फ्लोर हैं तो सबसे जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें एक स्कूल चलता है और APJ अब्दुल कलाम के नाम पे एक लाइब्रेरी भी है यहाँ पे. यहाँ महिलाओं के लिए भी नमाज पढ़ने की व्यवस्था है. और ये जो आपको ग्लासेस दिख रहे हैं जिससे ये मस्जिद बना हुआ है, ये वैसे तो ग्रीन ग्लासेस हैं, लेकिन जब आप इस मस्जिद के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पे ब्लैक ग्लासेस लगी हुई हैं, तो जिससे कि आपको अंदर से बाहर की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता कि अंदर क्या चल रहा है. ग्लास से बने हुए इस खूबसूरत मस्जिद को देखने के बाद मैं अभी निकल चुकी हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ. तभी बीच रास्ते में मुझे एक टी गार्डन दिखा. तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे टी गार्डन के पास थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं. फिलहाल मैं इस टी गार्डन से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हूँ और मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है शिलोंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही फेमस सा फॉल जिसका नाम है एलिफेंट फॉल. तो यहाँ के लिए आपको एंट्री फ़ी देनी होती है एंड जब आप किसी व्हीकल से जाएंगे ना तो व्हीकल्स की भी एंट्री फ़ी लगती है एंड जिसके लिए आई थिंक 100 रुपीज़ देने होते हैं. और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया.
एलिफेंट फॉल के पास का ये पार्किंग एरिया है, यहीं पे आपको अपनी गाड़ियाँ पार्क करनी होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कई ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ बैम्बू से और हैंडमेड बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो अगर आप चाहें तो इन दुकानों से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। एंड क्योंकि शिलोंग जो है इसे ईस्ट का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर्स भी दिखेंगे। एलिफेंट फॉल की जो एंट्री टाइमिंग है वो सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक है। ओके, सो अभी हम लोग आ चुके हैं एलिफेंट फॉल्स में और आपको आवाज सुनाई दे रही होगी वाटर की। चलिए देखते हैं वहाँ से कैसा दिखता है एलिफेंट फॉल्स। ओके, सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई दिस फॉल इज नोन एज एलिफेंट फॉल। चलो देखो। ओके, सो अभी जो पीछे बोर्ड है उस पे मेंशन है कि इस जगह का नाम, इस फॉल का नाम एलिफेंट फॉल क्यों रखा गया। तो इसके पीछे का रीजन यही था कि पहले इसका कुछ और नाम रखे थे, 3 स्टेप्स वाटरफॉल, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने यहाँ के फॉल को देखा और फॉल की जो शेप है वो एलिफेंट जैसी है, तो इसीलिए इसका नाम एलिफेंट फॉल रखा गया। हालांकि जिस पत्थर के कारण इसका नाम रखा गया था वो पत्थर तो अभी अर्थक्वेक के कारण हट चुका है वहाँ से, तो वो पत्थर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन चलिए फॉल को देखते हैं। ओके, सो ये है सामने जाने का रास्ता फॉल का। फॉल्स पे इस जगह पे 3 फॉल है, फर्स्ट फॉल, सेकेंड फॉल एंड थर्ड फॉल। तो अभी जो हमने फॉल आपको दिखाया ये था फर्स्ट फॉल, अभी चलते हैं सेकेंड फॉल की तरफ। एंड यहाँ से क्योंकि अभी सनलाइट काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ से उतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आ पा रही है, वीडियो में भी आपको उतना क्लियर नहीं दिखा होगा, लेकिन चलते हैं दूसरे फॉल्स के पास, शायद वहाँ से पिक्चर अच्छी आए। भैया सेकेंड फॉल की तरफ जा रहे अभी, चलिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट वॉक ऑन द रॉक्स। ओके, सो शायद यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही होगी, लेकिन ये है आपका एलिफेंट फॉल्स एंड ये वाकई में काफ़ी खूबसूरत फॉल है। अगर आप अपना DSLR कैमरा लेके आते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपीज़ की एक्स्ट्रा टिकट लेनी होती है। एलिफेंट फॉल के पास में ही एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे मेघालय की जो स्थानीय पोशाक है वो ट्रेडिशनल ड्रेस में पहन के आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक सम गुड पिक्चर्स इन दिस ब्यूटीफुल अटायर। एंड इसके साथ ही साथ शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पे 2-3 दुकानें हैं और यहाँ पे काफ़ी किफ़ायती रेट में आपको उलन के स्टफ्स मिल जाएंगे और बैम्बू से बनी हुई और हैंडमेड पर्स वगैरह चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। एलिफेंट फॉल शिलोंग के मेन शहर से कुछ दूरी पर स्थित है, तो अभी हम लोग एलिफेंट फॉल को देख के वापस आ रहे हैं और इसी बीच हमें शिलोंग की बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ से व्यू देखने को मिला। चलिए, तो अब हम लोग आ चुके हैं मेन शहर शिलोंग में और ये शिलोंग की मेन सिटी है। तो और अभी मैं जा रही हूँ अपने आज के अगले डेस्टिनेशन की तरफ जो है शिलोंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क। सो द नेक्स्ट प्लेस जहाँ मैं आई हूँ वो है पार्क और ये पार्क वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, इसके साथ ही साथ सामने एक फाउंटेन है, तो अभी चलने वाले हैं हम लोग फाउंटेन के पास। और उससे पहले फाउंटेन के पास चले, मुझे कुछ प्यारे प्यारे से फूल दिख रहे हैं यहाँ पे, सो आई एम गोइंग टू टेक पिक्चर्स। और तब तक आप देखिए इस पार्क की खूबसूरती को। यहाँ का जो एंट्री फी है वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन एंड 20 रुपीज़ वर्थ इट है, मतलब पार्क सच में काफ़ी खूबसूरत है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए इस पार्क में। यूँ तो शिलोंग एक काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है और यहाँ अपने ट्रैफिक्स भी काफ़ी होते हैं, तो शिलोंग अपने ट्रैफिक के लिए भी काफ़ी फेमस है। लेकिन इसी शहर में अगर आप कुछ सुकून के पल बिताना चाह रहे हैं, कुछ शांति के पल, तो चले आइए इस पार्क में, या फिर अगर आपको पिकनिक भी मनाना है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। क्या नाम है? अभी बोल नहीं सकता। अच्छा, अभी बोलता नहीं है। वैसे यहाँ पे ना इस पार्क में एक नर्सरी भी है, बट आई थिंक अभी ये क्लोज है नर्सरी।
यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स अवेलेबल हैं। इस पार्क का नाम सिलोंग के पहले गवर्नर जिनका नाम अकबर हैदरी था उनकी पत्नी के नाम पर रखा गया है। इस पार्क में आपको एक मिनी चिड़ियाघर, एक डियर पार्क और चिल्ड्रन का प्लेग्राउंड भी है। यहाँ पे वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स मिलेंगे आपको देखने के लिए, जिसमें रोज के फ्लावर्स, ऑर्किड, रोडोडेंड्रॉन। इस पूरे पार्क को जापानीज स्टाइल में बनाया गया है और यहाँ पे एक झील भी है जहाँ आपको बतख और रंगीन मछलियाँ तैरते हुए दिखाई देंगी। ये मेरे पीछे जो है ये छोटा सा फवारा है, लेकिन ये काफ़ी प्रिटी दिख रहा है एंड इट्स इन द शेप ऑफ हार्ट। ओके, सो यहाँ के बाद आप चाहें तो एनिमल लैंड में भी जा सकते हैं। चलिए चलते हैं उधर की तरफ। ये जो फाउंटेन आपको दिखता है, इसी फाउंटेन के जस्ट सामने ही है एनिमल लैंड। तो बेसिकली ये एक छोटा सा जू है और ये अपने बियर के लिए फेमस है और यहाँ पे और भी आपको बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह दिख सकते हैं। तो इस लेडी हैदरी पार्क को देखने के बाद अभी मैं निकल चुकी हूँ इस पार्क से और अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन इसी बीच रास्ते में मुझे मिला ये एक खूबसूरत सा चर्च जिसका नाम है ऑल सेंट चर्च। अब क्योंकि सिलोंग जो शहर है यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन को मानते हैं, इसलिए आपको जगह जगह पे बहुत सारे चर्च देखने को मिल जाएंगे। और मेरा आज का जो अगला डेस्टिनेशन है वो है वार्ड्स लेक। तो सिलोंग की सबसे फेमस जगहों में से एक आती है वार्ड्स लेक। यहाँ की जो एंट्री फी है वो है 20 रुपीज़ और एक बार ध्यान रखिएगा कि ये ट्यूसडे को बंद रहता है। वार्ड्स लेक सिलोंग शहर के बीचों बीच स्थित है, इसलिए ये काफ़ी फेमस भी है और यहाँ पे चाहे तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं और बोटिंग के जो चार्जेज हैं वो है 200 से 300 रुपये लगते हैं बोटिंग के, और ये फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। This is the lake. तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग इज ऑल्सो अलाउड एट दिस प्लेस। वैसे अगर आप मॉर्निंग में यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉगिंग करते हुए दिखेंगे क्योंकि ये काफ़ी स्पेसियस है, तो लोग यहाँ पे सुबह में मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं। और वार्ड्स लेक के जस्ट पास में ही एक और बोटानिकल गार्डन है, तो बोटानिकल गार्डन और वार्ड्स लेक दोनों एक दूसरे के आसपास हैं, तो जब भी आप वार्ड्स लेक आते हैं घूमने तो बोटानिकल गार्डन भी जाना ना भूलें। यहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाईज एंड प्लांट्स देखने को मिलेंगे। जो आपको दिख रहा है सो दैट इज लेक एंड उसके जस्ट साइड में आपको ये बोटानिकल गार्डन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगेन एंट्री फी है, यहाँ काउंटर से टिकट लेके आप अंदर बोटानिकल गार्डन में जा सकते हैं। वीडियो में मैंने जो भी प्लेसेस बताया वो तो सिलोंग की फेमस प्लेसेस हैं घूमने के लिए, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप कभी भी सिलोंग आते हैं तो यहाँ से शॉपिंग करना ना भूलें। सिलोंग का सबसे फेमस मार्केट का जो नाम है वो है पुलिस बाज़ार, और बेसिकली ये यहाँ पे एक चौक है, सिलोंग के मेन मार्केट में चौक है जिसको कि पुलिस बाज़ार कहा जाता है, और वहीं पर मार्केट लगती है और यहाँ काफ़ी सस्ते प्राइस पे काफ़ी आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, तो यू मस्ट ट्राई दिस मार्केट फॉर वंस। हालांकि मैंने अपने चैनल पे एक कंप्लीट वीडियो पुलिस बाजार का डाल रखा है, और अगर अभी तक आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखिए सामने आई लव सिलोंग लिखा हुआ है, तो ये लैंडमार्क है यहाँ का, इस बाजार का लैंडमार्क है। और यहाँ पे आपको खाने की बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, साथ ही साथ फास्ट फूड की कई सारी दुकानें हैं जहाँ से आप कुछ चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। सिलोंग में आपको नॉन वेज खाने ज़्यादा मिलेंगे, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो भी अगर आप ढूंढोगे तो आपको वेज खाने भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे। जब बात सिलोंग की हो और उमियम लेक का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उमियम लेक जो कि मेघालय की सबसे बड़ी मैनमेड लेक्स में से एक है, और यह जो सिलोंग का मेन शहर है उससे 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, मतलब जैसे आप गुवाहाटी से सिलोंग जाते हो ना तो आपको बीच रास्ते में ही मिलता है उमियम लेक, और ये 220 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियों और हरे चीड़ के विशाल पेड़ों से ढके हुए इस झील की सुंदरता देखते ही बनती है।
यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जाता है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में इसे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पे आपको कई सारे वाटर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज भी करवाई जाती है। सो यार, दिस वाज ऑल फॉर सिलोंग ब्लॉग। तो मेरी जो सिलोंग की ब्लॉग है वो यहीं पे एंड होती है, एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।